शांति। आज की तारीख है 6/7/20 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि मीठे बच्चे सदैव खुशी में रहो। किस बात की खुशी? सदैव खुशी में रहो कि हमें कौन पढ़ाता है। तो यह भी मन मना भव है। तुम्हें खुशी है कि कल हम पत्थर बुद्धि थे और आज पारस बुद्धि बने हैं। प्रश्न है, तकदीर खुलने का आधार क्या है? उत्तर है निश्चय। अगर तकदीर खुलने में देरी होगी तो लंगड़ाते रहेंगे। निश्चय बुद्धि अच्छी रीति पढ़कर गैलप करते रहेंगे। कोई भी बात में संशय है तो पीछे रह जाएंगे। जो निश्चय बुद्धि बन अपनी बुद्धि को बाप तक दौड़ाते रहते हैं वह सतोप्रधान बन जाते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार के दो ज्ञान बिंदु। नंबर एक है, इसी डबल खुशी में रहना। कौन सी डबल खुशी? इसी ही डबल खुशी में रहना कि अब मुसाफरी पूरी हुई। पहले हम अपने शांति धाम घर में जाएंगे और फिर हम अपनी राजधानी में आएंगे। नंबर दो है, सिर पर जो जन्म जन्मांतर के पापों का बोझ है उसे भस्म करना है। देह अभिमान में आकर कोई भी विकर्म नहीं करना है। वरदान सतगुरु बाबा का, मन की स्वतंत्रता द्वारा सर्व आत्माओं को शांति का दान देने वाले मनसा महादानी भव। मनसा के महादानी जो वाइब्रेशंस देते रहते। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, बांधेलिया तन से भले परतंत्र है लेकिन मन से यदि स्वतंत्र है तो अपनी वृत्ति द्वारा शुद्ध संकल्प द्वारा विश्व के वायुमंडल को बदलने की सेवा कर सकती है। आजकल विश्व को आवश्यकता है मन के शांति की। विश्व में सभी अभी शांति के चाहक हैं, शांति मांगते हैं। तो मन से स्वतंत्र आत्मा मनसा द्वारा शांति के वाइब्रेशंस फैला सकती है। शांति के सागर बाप की याद में रहने से ऑटोमेटिक शांति की किरणें फैलती है। ऐसे शांति का दान देने वाले ही मनसा महादानी हैं। स्लोगन है, स्नेह रूप का अनुभव तो सुनाते हो, अब शक्ति रूप का अनुभव सुनाओ। कैसे रूहानी बाप का रूहानी प्यार मिलता है वह तो सुनाते हो, परंतु अब बाबा कहते हैं कि वर्तमान समय सभी को शक्ति रूप का अनुभव सुनाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।